इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अपने मॉडम का फायरवॉल लेवल चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको क्या क्या चीज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको मॉडम के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि मॉडम में मैक्सिमम 192.168.1.1 जैसे ही लॉगिन करिएगा तो लॉगिन करने के बाद आपको पूरा स्टेटस शो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज आपको बता देता हूँ कि जो स्टेटस आप चेक कीजिए, स्टेटस में आप क्या चेक कीजिएगा कि जो आपका जो अगर फाइबर वाला मॉडम होगा तो PON वाला जो स्टेटस है, जो ऑप्टिकल पावर जो आ रहा है वो उसका स्टेटस क्या, अगर ये कनेक्टेड है तभी नेट चलेगा, अदरवाइज नेट नहीं चलेगा। और आपका ट्रांसमिटिंग पावर और रिसीविंग पावर, जो आपका मॉडम है कितना पावर रिसीव कर रहा है, वो रिसीविंग कितना कर रहा है, -23 dB। अगर ये 0 से लेके -30 dB तक है तब आपका बहुत अच्छा स्पीड चलेगा, अदरवाइज आपका स्पीड उतना अच्छा नहीं रहेगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पॉन लाइट स्टेबल नहीं रहेगा। उसके बाद हम आते हैं, अभी यहाँ पे दिखा देते हैं कि आपको लैन में, लैन केबल, लैन पोर्ट होता है, लैन पोर्ट में भी आपको पता चलेगा कि लैन पोर्ट में कौन कौन सा है। यहाँ पे देखिए SSID, हम इस मॉडम में 4 SSID बना सकते हैं जिसमें हमारा अभी नेटवर्क से कनेक्टेड है। यहाँ पे देखिए ये अभी फिलहाल, अभी हम इसको काट के रखे हैं तो नेटवर्क से अभी कनेक्टेड है, नेटवर्क से अभी हमारा कॉन्फिगर है। अब हम आते हैं अपने नेटवर्क में, आ गए नेटवर्क में, आने के बाद हमें क्या चीज करना था, सिक्योरिटी लेवल चेक करना है। तो सिक्योरिटी में जाने के बाद हमें अपना फायरवॉल लेवल को चेंज करना है। तो फायरवॉल जो लेवल है अभी हमारा लो है तो इसको हमेशा हाई कर दीजिए। हाई कर देने से ये होगा कि जो भी इस फायरवॉल क्या होता है, वॉल हमेशा एक सेफ्टी का काम करता है, जैसे कि आपके घर का वॉल वो भी एक सेफ्टी का काम करता है एनी एटमोसफेयर में, वैसे ही फायरवॉल का काम करता है। उसके बाद अटैक प्रोटेक्टेड सेटिंग, इसको भी आप हमेशा अनेबल करके अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद ये आपका जो फायरवॉल, कई बार वायरस आ जाता है जिसके कारण आपका स्पीड स्लो हो जाता है। तो स्पीड अगर हम फायर लेवल हाई रखेंगे तो हाई रखने के कारण क्या होगा कि आपका जो वायरस से जो अटैक हो रहा था वो बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल में आप कितना डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं ये सब चीजें भी जान सकते हैं। आज के लिए हमें केवल ये बताना था कि अपना फायरवॉल लेवल को कैसे चेंज करेंगे, अभी हमारा हाई लेवल में है जिसके कारण अभी इस पे वायरस का खतरा बहुत कम रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।